हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर भी थोड़ा स्वागत करती हूँ। आप आए हुए जी नानके, नाना जी ते नानी जी मिलन आए अज आप, क्योंकि नानी थोड़े जे बीमार जे हो गए सीगे। ते उस तो पहला फ्रेंड, जे तुसी मेरे चैनल ते नवें तां प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। ते जे तुहानू मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो जी। ते वीडियो ते बने रहो एंड तक। अच्छे रिश्ते हो गए हुण। मोटा ठाडा होया वा हुण तां। हैलो, आ देख लो दियोर मेरा कल्ला है ना, प्याज चीर रहे हैं पकौड़े खाने वास्ते। ए नहीं भी रिश्तेदारां नूं पुछ लवां मैं, प्याज चीर कितने हो रहे हैं, मेज पर सिर्फ तीन। रिश्तेदार तो कह रहे हैं भी लिया भाई पकौड़े हमें बना दो, मैं भरजाई तो कह रही है भी लिया सोनी पनीर पनूर पकौड़े बनाइए। पर कट सोनी रख के हुण आ गया असली कुक। पिछे तो पुछन लग गए सीता कौन थी। मानू दो कुक आए हुए हैं अज तो पकौड़े इन्हों के हाथ क्यों खाने हैं। दोनों भाई भाई कुक बने उधर पहली बारी प्याज कट हो रहे। मम्मी पर पता लग गया प्याज कटने वाले घर प्याज देके बिठा दे करना फट्टे पर। इन्नी बरीक थोड़ी ना करने प्याज जने दरवाए दे आ। सोनी नूं आदत पई वी प्याज चीरने की, तुसी कदे चीरे नहीं हैगे, गल इत्थे है सारी मुकदी। सोनी गले हस रहे भी मेरी सच्चाई सामने आ गई है। सोनी आदत पई वी है ना प्याज चीरने की, ताही फिर हां बस फिर नजारे हुण रोज दवाए करूंगे प्याज रोज चराए करूंगे। ओ आलू भी चीर लो, गैल आलू भी बना लियो। आलू ले आओ, ओ पे आलू आलू ले आनी, ओ ता प्याज है। पनीर बेसन में लगा लेंगे, बीच में पनीर डिप कर लियो। और पनीर रहेगा, पनीर पे नहीं बेसन और सरिया और पनीर रहेगा। पनीर तो कोई ना बना कट दे भाई। है नहीं, है आलू होगा, है नहीं ऊपर है नहीं आलू, ऊपर है नहीं आलू हैं। प्याज होर तो चीर लो, एने तो मन सोनी ने पर फरीदपुर वाली फोन कर रहा है।
सोनी तेरे से बजे तो मैं चीर दूंगा सब्जी लंबे लंबे ही चीरे हैं उसने देखो से चीरे जुड़े ने कौन तो मुंडा हजे कच्चे एक बार होर कट दिए आप आ गए ना कट के फिर वो कर देना एक बार होर कट लो लो जी असि बना रहे हैं दियोर भरजाई पकौड़े आलू दे प्याज दे पानी उठे पियो उधर जा रहे इधर जा रहे हैं सोनी पीने चाह फ्रिज में नहीं पीना उधर पर पूरा तो फिल्टर और ये फिल्टर कड़े का भी है क्या इन्होंने कड़े का उधर हम आपने लो जी इधर लावांगे पांचों प्याज आलू प्याज हरी मिर्च बस हो गए ये भी एडिंग गठिया और पूरे पूरे की लेंगे मैं रख लेना तो भाई प्लेट बना रहे हैं मम्मी बस बस ज्यादा ही नहीं चाह दे जगह की ओ पत्ती ने ज्यादा भाई छोटे ही है वो इधर चावला मास्टर लग गया भाई दूध दे जाई रखी मामा भी लगे पकौड़े खाने फोन बंद कर कैसे आलू वाले में खांदा नहीं है पर है वधिया बने हुए हैं पहली बार खाए पकौड़े आप दोबारे फ्राई करके कट रहे हैं सारे लगी पी है भुख कहते फटाफट दे दो लो जी गर्मा गर्म पकौड़े खाओ
प्लेट तो पता नहीं इधर पहले आपे खा हो रही है हेलो सुखे खड़ जा अंदर पे है लो जी इधर पकोड़े खा हो रहे हैं मामा जी तैयार है मामा जी हेलो करो लड्डू सिंह हेलो हेलो सुखराज आया चाबरे मुकेश ते कड्डियो ले बेबे खाओ पकौड़े बापू हैं क्या ले बेबे तू बैठ में ले मत चल ले फिर चाह भी बापू चोरी भैया अमन बापू चटनी मंग रहा मैं तो तानी ले रहा मीठी करके ले उधम भी देखी परोठे पकौड़े खा के लंबा पै गया पकौड़े बनाने वाला खाई नहीं करता क्यों चाचू खाई के नहीं करे हमें भी तो खाने हैं मुझे भी बना ले उन खाने के बारे साड़ी लवाई नु भुख नहीं लगती मुस्क के बीच रज जा मेरे पास फेरा दो वाला दे पापा दे नाच के दिखा दे नाच के दिखाई नाच के दिखा दे न्याणे हेठ चले गए सारे हो अच्छा पानी पीवो पहले पानी की प्यास जी लग गई पकौड़े खा खा के लो जी पकौड़े तो अपने सारे ने खा ले सीगे पकौड़े खा के रेस्ट भी कर ले सारे ने ते हम नीचे ने चलते देखते नीचे की समाचार हेलो अच्छा बड़ा चला गया भी ये था हमें ऊपर लेके ना कोठे पकोड़े बनाए फिर पकोड़े खाए खाना सुपर रोटी लाई सर दे रोटी की लोडिंग पकोड़े खा ले रज रज के भूखे नहीं रही और बापू ठीक है हां ठीक है ठीक है चाहिए ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੀੜੀ ਕੇ ਖਾ
लो जी मम्मी दे मामी दे चले भी गए घर देखण है ना जिहड़ा मामा जी नवां घर पा रहे ने थानू दिखा के लियाने आ हुण पहले इत्थे वैसे एक उपर तक छत्तिया होया सीगा हुण तां उह उपर तक छत्त पिया हजे तां कम चल रहे मैनूं लगदा आ देखो ये भी उच्चा करते पहले नीवा हुंदा सीगा आ भी किन्ना उच्चा करते इन्होंने कमरा है ना अच्छा बिच नूं कंध करती पहले तो सीधा है अच्छा बाथरूम भी तड़वा दिया आ बिचे रूम हो गया बिचे किचन अच्छा इधर बाथरूम बना दिया हाँ पहले सीधा गड्डी दे था ये गड्डी वास्ते लेता बना दे आ किचन का बना दिया भांडे वास्ते रसोई बन गया सब बिच ठीक है जिन्ना मर्जी बंदा रही जावे है ना जिस तरह मर्जी आ छोटी करती इन्होंने कंध सवेरे भी जब बाथरूम दे तो बना लेंगे ना चढ़ के किचन दी है बनाई पहला आ क्या बनाया हूं अच्छा ये बाथरूम बना दिया ये बाथरूम बना दिया पहला और किचन थी ये बनाते एक कमरा आ कमरा पूरा था ना पहला हाँ ए था है कमरा किचन है इधर रहेगी थी जगह खड़ा है रसोई माते अरे माते कमरा बड़ा बिल्डर से इकट्ठे करते लो जी ओ थानू एयरपोर्ट रोड दिस रहा होना इत्थों ही ओ मामा जी दी गड्डियां खड़ियां ने ओ ट्रैक्टर है इधर आ सारी मम्मी दे ताए चाचे दी होवे बस सारी आ निकले एयरपोर्ट नेड़े नू ओथे ना इहनां दे ओ सीगे खेत सीगे लो जी सभी पर दा पिंड देख लो आले दुआले दा हां झुंगी बनाई भी थी उरे ओ दिस रहे एयरपोर्ट रोड को इधर और उच्चे तो मैं दिख लूगा इधर बनाते एक है गोल मोल जी ने है ना जगह बनाई इसके ऊपर उसके ऊपर भी है और के पास आ बाथरूम है फिर इधर सोई तो नहीं है ना
ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੀ ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੀ ਉਧਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਲੋ ਜੀ ਸਵੀ ਪਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁੰਛਾਂ ਜੀ ਦਿਸ ਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਡਿਆਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫੀਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉੱਧਰ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ ਮਤਲਬ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੇਬੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਦੇਖੀ ਉਦਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਉਦਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਸੁਖਰਾਜ ਤਕੜੀ ਰਹੇਗਾ ਤਕੜੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੀ ਲੈ ਰਹਿ ਜਾਓ ਸਿੱਚੀ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਲੈ ਜੀਏ ਹੈਲੋ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਪਾਸਾ ਗੰਦੀ ਵਾ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਚ ਰੁਕੀਏ ਹਨਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਗ ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਗ ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਗ ਚ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆੜੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨਾ
ਇਹ ਦੇਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਟਪਕੇ ਦੀ ਅੰਬੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਪਕੇ ਦੀ ਅੰਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਪਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆੜੂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ।